प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8वीं का अध्याय 2, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें प्रश्नावली 2.2 में से क्वेश्चन 8 नंबर से 11 नंबर तक इस वीडियो में आपको समझाऊंगी। आपको वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है। तो प्रश्न पढ़ते हैं। सबसे पहले, तीन लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, पूर्णांक आपको पता होता है, पता ही है कि जैसे कि 2, 4, -2, ये सभी पूर्णांक होते हैं, धनात्मक ऋणात्मक हो सकते हैं पूर्णांक। तो ये लगातार पूर्णांक, तीन लगातार पूर्णांक, यानी कि एक पूर्णांक को हम अगर 5 मान लें तो दूसरा 6, तीसरा 7 होगा, लगातार तभी बनते हैं। या जैसे कि 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, इस तरह से लगातार पूर्णांक गिनती, लगातार गिनती वाले होते हैं। तो ये दिए गए हैं, ये हमें ज्ञात करने हैं तीनों पूर्णांक कौन कौन से हैं। तो उन्हें क्रम में लेना है पहले, और फिर प्रश्न के अनुसार हम उनको गुणा करेंगे और योग करके देखेंगे, योगफल 74 आएगा, समीकरण बनाएंगे और सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, कि हम मान लेते हैं, मान लो पहला पूर्णांक बराबर है x, तो दूसरा पूर्णांक क्या बन जाएगा बच्चों, दूसरा पूर्णांक x जमा a, क्योंकि मैंने बताया है कि लगातार, यानी कि अगली गिनती उसके अंदर एक जोड़ दें तब आता है अगला पूर्णांक x जमा एक। तीसरा पूर्णांक, तीन पूर्णांक दिए हुए हैं बच्चों, तीसरा पूर्णांक x जमा एक, इसके अंदर अब एक और जोड़ देंगे तो यहाँ से निकल जाएगा x जमा एक 2। तो ये हो गया तीसरा, ये दूसरा और ये पहला लिया है हमने। अब क्या दिया हुआ है प्रश्न के अनुसार, इनका योग करने पर, नहीं, उन्हें गुण क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर, पहले हम इनको 2, 3 और 4 से गुणा करेंगे। और कैसे करनी है गुणा, क्रमशः करनी है, यानी कि पहले पूर्णांक को 2 से, दूसरे को 3 से और तीसरे को इस 4 से गुणा करना है। और अब प्रश्न के अनुसार देखते हैं बच्चे, हम प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है बच्चों, कि पहला पूर्णांक है उसको हम 2 से गुणा करेंगे, पहला पूर्णांक को 2 से गुणा करेंगे, 2 गुणा x, फिर इन सब का योग करना है ना, योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है, तो यहाँ जमा का निशान लगा देंगे योग का। दूसरे को 3 से करेंगे, दूसरा है x जमा एक, इसको हम करेंगे बच्चों 3 से गुणा। फिर तीसरा पूर्णांक है x जमा 2, इसको क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे, और इनका योगफल कितना दिया हुआ है 74। तो इस तरह से जो भी दिया हुआ है प्रश्न में, हम उसको ज्यों का त्यों ऐसे लिखते जाएंगे और समीकरण बनाएंगे। अभी 2 गुणा x क्या निकलेगा बाहर, 2 गुणा x यानी कि 2x जमा, यहाँ पर x जमा 1 गुणा 3 है, यानी कि 3 इन दोनों से गुणा है, तो 3x जमा 3 एकम 3 जमा ये 4 बाहर है, तो इसका मतलब है दोनों से गुणा है, तो 4x जमा 4 दूनी 8 बराबर है 74। अब हम देखते हैं कि x x वालों को जोड़ लेते हैं, 2x, 3x और 4x को जोड़ देते हैं, 2, 3, 5 और 4, 9x जमा 3 और 8, 11 बराबर है 74। तो अभी हमें चर की वैल्यू चाहिए, इसलिए ये समीकरण बन गई है, और इसको हल कर देंगे। अब 74, 11 को इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, 9x बराबर है 4 में से 1 गया 3, 7 में से 1 गया 6, फिर x की वैल्यू निकालनी है हमें 63, ये इधर इसके साथ कोई भी निशान नहीं है, इसका मतलब यहाँ गुणा का निशान है, तो यहाँ के ये बटे में हो जाएगा, 9 के पहाड़े में आता है 63, सीधा काट सकते हैं बच्चों, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, x बराबर है यहाँ से आ जाएगा 7। अभी हमारे जो पूर्णांक हमने माने थे, पहला x, दूसरा x जमा 1, तीसरा x जमा 2, अब हम x की वैल्यू यहाँ से रख के इनको निकाल सकते हैं। तो बच्चों पहला पूर्णांक आ जाएगा, पहला पूर्णांक पूर्णांक आ जाएगा x बराबर है 7, और दूसरा पूर्णांक आ जाएगा, दूसरा पूर्णांक बराबर है 7 जमा 1, क्योंकि x जमा 1 दिया हुआ था, 8 आ जाएगा। अभी तीसरा पूर्णांक निकाल देते हैं बच्चों, तीसरा पूर्णांक बराबर है 7 जमा 2, क्योंकि x जमा 2 हमने ये माना हुआ था, x जमा 2 माना हुआ था ना,
तो इसको सात, एक्स की वैल्यू सात रख देंगे, सात जमा दो बराबर है नौ। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर है वो सात, आठ और नौ आ जाता है। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। राहुल और हारून दो नाम दिए हुए हैं, दो लड़कों के नाम, बच्चों के नाम दिए हुए हैं। इनकी वर्तमान आयु में अनुपात है बच्चों 5:7। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा, उनकी वर्तमान आयु क्या है? बच्चों जब भी आप अनुपात के, इनके आयु के सवाल निकालो तो ऐसे लिख लिया करो, जैसे कि पहले इनकी वर्तमान आयु मान लिया करो, जो पूछ रखा है वर्तमान आयु, राहुल की वर्तमान आयु। राहुल की वर्तमान आयु ये 5:7 दिया हुआ है, तो इसको मान लो 5x, और हारून की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु ये अनुपात 7 दिया हुआ है, तो इसके इसको मान लेंगे 7x। अभी देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, तो हम 4 वर्ष बाद लेंगे राहुल की आयु, 4 वर्ष बाद लेंगे किसकी आयु, राहुल की आयु, राहुल की आयु कितनी हो जाएगी, 5x जमा 4, और उनकी आयु है ना, इसका मतलब दोनों की आयु। तो अब 4 वर्ष बाद अरुण की आयु कितनी हो जाएगी, अरुण की आयु ये हो जाएगी 7x, इसमें 7x में 4 जोड़ देंगे, इतने इतने वर्ष हो जाएगी बच्चों, ये इतने वर्ष हो जाएगी ये राहुल की और अरुण की आयु, और उनकी आयु का योग दिया हुआ है 56 वर्ष। वास्तव में उनकी आयु का योग है ये 56 वर्ष, लेकिन हमने ये एक्स में मानी हुई है, हम इसको ऐड कर देंगे और बराबर 56 लिख देंगे, एक समीकरण बनाएंगे और फिर उसको हल करेंगे, तब यहाँ से उनकी वर्तमान आयु एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। अभी देखो बच्चों 5x प्रश्नानुसार लिख दो यहाँ पर, प्रश्नानुसार इधर लिख देते हैं, 5x जमा 4 जमा 7x जमा 4 बराबर है कितनी दे रखी है, 56। अभी ब्रैकेट खोल देते हैं, 5x जमा 4 जमा 7x जमा 4, ये बार प्लस का निशान है तो ब्रैकेट के निशान ऐसे कैसे रहेंगे, बराबर है 56। अभी एक्स एक्स वालों को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं बच्चों, 5 और 7 12x जमा 4 जमा 4 8 बराबर है 56। अभी इसको समीकरण को करने के लिए, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, जो हमारे पास एक्स के अलावा जो यहाँ पर अचर संख्याएं हैं 8 है जैसे, इसको इधर ले जाएंगे, 12x बराबर है 56, और ये प्लस का 8 है इधर, तो इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 12x बराबर है, इसमें से घटा देंगे इसको, 16 में से 8 गए 8 और 4 बच जाएगा। फिर एक्स की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए न कि 12 की, तो 12 को इधर ले आएंगे, ये यहाँ पर गुणा में है, यहाँ के ये बटे में हो जाएगा, 12 कम 12 12 चौके 48, एक्स बराबर आ जाएगा 4। तो बच्चों राहुल की वर्तमान आयु मानी थी हमने 5x, ये 5x मानी थी, और अरुण की मानी थी 7x। अब यहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं राहुल की, राहुल की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर है, और हारून की, हारून की वर्तमान आयु, राहुल के निकालने के लिए बच्चों हम 5 गुणा x करेंगे, 5 गुणा x बराबर है 5 गुणा x की वैल्यू आई है हमारी 4, तो यहाँ से आ जाएगी 5 चौका 20 वर्ष, और हारून की आ जाएगी 7 गुणा 4 बराबर है 28 वर्ष, इसमें भी 7 गुणा x लिख सकते हैं या फिर x की वैल्यू रखेंगे तो ये 28 वर्ष आ जाएगी। तो इस तरह से बच्चों हमने 9 का सवाल हल किया, और अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 10 का सवाल, किसी कक्षा कक्ष में यानी कि क्लास में, क्लासरूम में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, यानी कि बालकों की, बच्चों की, लड़कों की संख्या ज़्यादा है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? इसमें दिया हुआ है बच्चों बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात,
तो बालक और बालिकाओं की, बालिकाओं की संख्या में अनुपात ये दिया हुआ है बच्चों 7:5, और बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, यानी कि ये अंतर है। बालकों की संख्या, बालकों व बालिकाओं की संख्या का अंतर, बालिकाओं की संख्या का अंतर कितना दिया हुआ है 8। तो अब हम मान लेते हैं बच्चों कि बालकों की संख्या हो जाएगी 7x और बालिकाओं की 5x। तो यहाँ पर आप मान लीजिए, मान लो कि बालकों की संख्या बराबर है, बालकों की संख्या बराबर है 7x, 7:5 दिया हुआ है तो 7x, और बालिकाओं की यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी ये यहाँ से 5x। अभी अंतर दिया हुआ है इनका बच्चों 8, तो यानी कि 7x में से 5x घटा देंगे तो कितना आएगा 8, क्योंकि 8 ज़्यादा बताया है ये, 7x माइनस 5x बराबर है 8। तो यहाँ से हम हल कर देंगे इसको, 7 में से 5 गए तो x बराबर है 8, फिर x की वैल्यू निकालेंगे 8, यहाँ पर ये गुणा में है, यहाँ नीचे आ जाएगा 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8। ये मैं अपने आपको बार बार बताती हूँ कि जैसे ये 8 था और इधर इसको लाए, ये गुणा में था, इसको ऐसे भाग में करेंगे तो वैसे भी सीधा 4 आ जाता है, नहीं तो इसके नीचे कुछ नहीं है, एक मान लेंगे, फिर 1/2 करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ऐसे ये 4 आ जाता है बच्चों। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है 4। अभी हम बालकों की संख्या हमने 7x ली थी, बालिकाओं की 5x ली थी, तो यहाँ से हम बालकों कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी निकाल सकते हैं। तो पहले हम निकालेंगे बालकों की संख्या, बालकों की संख्या कितनी आएगी 7x है ना, तो 7 × 4 बराबर है 28, और ये यहाँ से लिखेंगे बालिकाओं की संख्या, फिर दोनों को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो यहाँ से कुल संख्या निकल आएगी। तो ये 5x है, 5x बराबर है 5 × 4 बराबर है 20। तो यहाँ से कुल कितने विद्यार्थी पूछे हैं बच्चों, इसमें इसमें हमसे पूछा गया है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो अगर बालक बालिकाओं की संख्या पूछी जाती तो यहीं तक करना होता सवाल, लेकिन अब कुल विद्यार्थी पूछे गए हैं तो हमें लिखेंगे कि आंसर बराबर है कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या। इसमें क्या करेंगे हम, बालकों की संख्या और बालिकाओं की संख्या को जोड़ देंगे, तो 28 + 20 बराबर है 8, 2 और 2 4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों, 48 विद्यार्थी। इसके आगे जगह नहीं है तो नीचे लिख देती हूँ मैं, 48 विद्यार्थी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें तीन दिए हुए हैं, तीन नाम हैं, एक तो है बाईचुंग, बाईचुंग के पिताजी और उसके दादाजी। इसमें तीन सदस्य दिए हुए हैं उनके घर के, बाईचुंग कोई लड़का है उसका नाम है बाईचुंग, और उसके पिताजी हैं, फिर उसके दादाजी हैं। इसमें तीन नाम दिए हुए हैं तो उनकी उम्र हमें निकालनी है, आयु निकालनी है, उनकी आयु अलग अलग ज्ञात करनी है। तो बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, तो हम यहाँ पर बाईचुंग की मान लेते हैं बच्चों। मान लो आयु बाईचुंग की मान लेते हैं, बाईचुंग की मान लेते हैं एक्स वर्ष। तो अभी देखो बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं, तो इनके पिताजी की हो जाएगी, बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं तो एक्स जमा 29, और फिर दादाजी की कितनी हो जाएगी बच्चों, दादाजी की पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, यानी पिताजी 26 वर्ष छोटे हैं तो दादाजी इनसे बड़े हैं, तो एक्स जमा 29 जमा 26। तो इस तरह से आप इनकी ऐसे
थोड़ी सी सारणी टाइप में बना लेना और फिर इनको लिख देना। फिर इनकी तीनों की आयु का योग दिया हुआ है 135 वर्ष, तो प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं बच्चों, प्रश्नानुसार तीनों का योग दिया हुआ 135, तो इनको जोड़ देते हैं। एक्स जमा 29 जमा एक्स जमा यहाँ से निकल आएगा बच्चों, ये 9 और 6 15, दो 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 4 और 1 5 प्लस एक्स प्लस 55, यहाँ से एक्स प्लस 55 हो जाएगी ये, तो एक्स प्लस 55 बराबर है कितना दिया हुआ 135 वर्ष। इसको आप बच्चों वैसे भी मान सकते हो कि मान लो कि बाईचुंग की आयु एक्स वर्ष, पिताजी की आयु, अलग अलग लाइनों में भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। इस तरह से आप जब करोगे तो ये आसान रहेगा। अब हम एक्स एक्स वालों को जोड़ देते हैं, एक्स 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 3 जगह है तो 3x हो जाएगा, क्योंकि एक्स के आगे कुछ नहीं है, इसका अर्थ है 1x है ये, 1x 1x, तो ये 3x हो जाते हैं। 3x प्लस ये 9 जमा 5 14 और 2 5 7 और 1 8 बराबर है 135। अभी यहाँ से 3x बराबर 135, इधर ले जाएंगे 84 को, -84 3x बराबर है, इसमें से घटा देंगे बच्चों इसको, इस तरह से 5 में से 4 गया 1, 13 में से 8 गए 5, यहाँ बच जाएगी 0, इसको घटाएंगे तब, तो अभी यहाँ बच जाएगा 51 और x बराबर है तो 51 को यहाँ ये गुणा में है, यहाँ नीचे आ जाएगा, 3 बटे में हो जाएगा, 3 से काट देंगे इसको, 3 एकम 3 3 एकम 3, 2 बच जाएगा 3 7 21। या अगर इस तरह से नहीं आता है तो मैंने आपको बताया है, जैसे ऊपर वाली संख्या को अंदर लिख लो, इसको बाहर, 3 एकम 3, 5 में से 3 गए 2, उतार लिया 1 का 3 7 21, इस तरह से आप इसको भागफल से आए तो उसे काट सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू आ जाती है बच्चों यहाँ से 17 वर्ष आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू किसकी आयु आई है बच्चों, बाईचुंग की, फिर उनकी आयु अलग अलग हमें ज्ञात करनी है, तो अभी हम अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर बाईचुंग की आयु आ गई है, बाईचुंग की आयु बराबर है 17 वर्ष, बाईचुंग के पिताजी की आयु बराबर है 17, प्लस में कितना करेंगे हम, प्लस में करेंगे बच्चों एक्स जमा उनतीस करेंगे, तो 17 जमा 29 बराबर है 9 7 16, 2 1 3 और 1 4 46 वर्ष। और अब बाईचुंग के दादाजी की आयु बराबर है, ये क्या थी बच्चों, x जमा 55, तो एक्स की वैल्यू है 17 जमा 55, तो यहाँ से 5 जमा 7 कितना हो जाता है 12, 5 और 1 6 और 1 असल का 7, 72 वर्ष हो जाएगी बच्चों ये। तो हमने बच्चों ये तीनों की आयु अलग अलग ज्ञात कर दिया, 17, 46 और 72, तो आपको भी इसी तरीके से ये सवाल करना है। और अगर आपको मेरी वीडियो में पढ़ाए हुए गए सवाल अच्छी तरह से समझ में आते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।